जला रहा है छुरछुरी और परी कितना सेफ्टी के साथ यहाँ पर देखिए टॉर्च। देखिए परी ने बनाया हुआ है रंगोली, बहुत ही सुंदर बनाई है, पहली बार बनाई है। गुलाब जामुन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता एंड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं, मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है दीपावली और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, हैप्पी दीपावली। तो अभी है शाम का समय और हम लोग तैयार हो गए, मतलब मैं तैयार हो गई, बच्चे भी मेरे तैयार हो गए हैं और मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी चले गए हैं क्योंकि उनका ड्यूटी लगा हुआ है, तो इस वजह से वो चले गए हैं। 4 बजे से उनका ड्यूटी लग गया था तो वो आएंगे सीधा 10 बजे। तो हम लोग तैयार हो गए हैं, पूजा वगैरह हम लोग को बोले थे वो कर लेना ऐसे करके, तो अभी हम लोग पूजा कर लेंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा उनको आने में, तो इस वजह से। तो बस मैं मिठाई वगैरह बनाई हूँ, उसके बाद पूजा की तैयारी में लग गई थी तो काफ़ी लेट हो जाएगा, इसकी वजह से ना मैं तैयारी कर रही थी उस समय ना वीडियो नहीं बनाई। और अभी हम लोग सारा तैयारी हो गया हमारा, देखिए भगवान जी के पास भी हम लोग तैयारी कर लिए हैं पूरी तरह से, तो अभी पूजा स्टार्ट करेंगे और काफ़ी लेट हो चुके हैं तो अभी चलते हैं जल्दी से। पूजा स्टार्ट करते हैं और सबके यहाँ दिया वगैरह जल गया, हमारे यहाँ लेट हो जा रहे थे हम लोग क्योंकि थोड़ा सा ना मिठाई वगैरह बनाने में लग गई थी ना इस वजह से। तो ठीक है, चलिए दिखाती हूँ आप सभी को कि हम लोग भगवान जी के पास किस तरीके से सजाए, मतलब भगवान जी का यहाँ पर सजाए हुए है ना बेटे। और काव्यांश चलो हैप्पी दीपावली बोल दो, चलो हैप्पी दिवाली। अच्छा बोलो हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों आप सभी को बोल दो बढ़िया था। तो दोस्तों आप सभी को हैप्पी दीपावली बोल दो, हैप्पी दीपावली। तो ठीक है चलो चलो पूजा स्टार्ट करो। तो ठीक है चलिए दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से फूल से हम लोग इस बार सजाए हुए हैं भगवान जी के पास। और ये देखिए सारा तैयारी हो चुका है हमारा, फूल वगैरह से सजा लिए हैं, बाकी पूजा वाला थाली हम लोग यहाँ नीचे रखे हुए हैं, दिया वगैरह बना ली हूँ और फूल वाला इस बार रंगोली बनाई हुई यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग सजाए हुए हैं भगवान जी के पास और बाकी रंगोली बाद में दिखाऊंगी, अभी चलिए स्टार्ट करती हूँ पूजा, लेट हो जा रहे हैं। तो Thank you.
हमारी पूजा हो गई है। देखिए हम लोग पूजा कर लिए हैं और अभी दिया जलाने जा रहे हैं बाहर में। यहाँ पे दिया जला दिए हैं मतलब भगवान जी के पास। और बाकी यहाँ पर दिया परी थोड़ा बहुत था दिया उसको बना रही है और यहाँ पे मैं दिया थोड़ा बहुत था उसको जला ली हूँ और बाहर में जलाएंगे अभी। हाँ अभी रुको बेटू दिया जला लेते हैं पहले। बत्ती मैं रखूंगी, बत्ती बड़ा वाला मोटा वाला बत्ती को ले परी। तो ठीक है तो हमारा दिया जल गया है और अभी हम चलते हैं बाहर में जलाने के लिए। भगवान जी के पास जला दिए हैं, पूजा हो गया है। देखिए चल परी रख दो। बंद नहीं करना, ये नहीं होगा। छोटे बटे हटा दो तू। देखिए परी ने बनाया हुआ है रंगोली, बहुत ही सुंदर बनाई है। पहली बार बनाई है और बहुत अच्छा बनाई है। देखिए बहुत अच्छा, इस बार मैं रंगोली नहीं बनाई हूँ, परी पूरा ही रंगोली बनाई है ना परी। इधर परी, और परी का देखिए फर्स्ट टाइम बनाई और इतना सुंदर रंगोली। दिया वगैरह हम लोग चला दिए हैं दरवाजे में। इधर आज तू अभी रुक जा बैठू। चलिए बालकनी वाला रंगोली दिखाती हूँ। बालकनी वाला इतना सुंदर बनाई थी ना पर ना, फिर दरवाज़ा बंद कर रही थी ना वो, नहीं कुर्सी से ना, कुर्सी से वो जो हम लोग का लाइट लगाए हुए ना वो वाला लाइट, उस वो ना इधर आ गया, इसकी वजह से ना थोड़ा सा बिगड़ गया। पर बहुत सुंदर यहाँ का रंगोली बनाई है, दिखाती हूँ चलिए। तो देखिए ये बालकनी में बनाई है परी, बहुत सुंदर रंगोली। थोड़ा सा और अच्छा बनाई थी पर ना थोड़ा सा बिगड़ गया, वो लाइट है ना वो लाइट उतार इधर आ गया था ना, इसकी वजह से थोड़ा सा बिगड़ गया। पर बहुत सुंदर बनाई है परी, ये देखिए। बाकी हम लोग का दिया जल गया, हम लोग का बाल छुरछुरी और परी कितना सेफ्टी के साथ यहाँ पर देखे टॉर्च वाला बहुत अच्छा उपाय की है। बहुत टाइम एक दूसरे में ऐसा करके जल जाएगा ना, उसके में कर रहा था तो जल्दी जलता है। और देखिए सभी के यहाँ दिया चल गया है, ये देखिए पकड़ो जल्दी पकड़, अरे परी इसको दे देना, देखो देखो पकड़ ले, बस बस चलाने से पहले।
दोस्तों थोड़ा बहुत मैं छुरछुरी एक दो टू जला ली और देखिए बच्चे भी चले गए हैं नीचे, मतलब पटाखा फोड़ने के लिए। काव्यांश बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था तो वो चला गया है, तो अभी चलती हूँ कुछ खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और बच्चे इधर दरवाज़ा बंद किए हैं तो ठीक है, चलती हूँ। और मिठाई वगैरह बनाई तो हूँ, बहुत सारा आइटम है खाने को, पर अभी खाना ही खाने का मन कर रहा है, क्योंकि अभी मैं मिठाई बनाई हूँ तो मुझे बस खाना खाने का मन कर रहा है। तो ठीक है, चलिए अभी उस टाइम में मिलती हूँ, तो ऐसे बने रहिएगा। और आप सब कैसे बनाए दिवाली कमेंट में बताइएगा। हमारा तो पूजा हम लोग किए, थोड़ा बहुत फटाका फोड़ी मैं, मतलब दिया जलाई और उसके बाद छुरछुरी जलाई, बाकी बच्चे लोग चले गए हैं तो, और वो आएंगे फिर, जा रहे होंगे अब तो। ठीक है, चलिए मिलती हूँ कुछ टाइम में। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ अभी खाना, क्योंकि हमारे ना खाना नहीं बन पाया था, पूजा मैं ना मिठाई बनाई उसके बाद चली गई थी भगवान, मतलब वहाँ पर तैयारी करने में लग गई थी पूजा वगैरह का, तो उसके बाद तैयार भी हो गई फिर उसके बाद पूजा कर ली, तो मैंने सोचा कि चलो लास्ट में ही खाना बनाऊँगी ऐसे करके। तो अभी बना रही मशरूम की सब्ज़ी, ये देखिए मशरूम की सब्ज़ी, चावल बन गया है, दाल भी है, दिन का ही है, हम लोग आज खाना नहीं खाए हैं, मिठाई वगैरह इतना सारा खाने को है ना, तो आज भूख ही नहीं लगा तो खाना नहीं खाए हैं, तो बस मैंने सोचा कि लास्ट में खाना बनाऊंगी करके, और गरम गरम भी खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो बस बन गया है, और चावल और मशरूम की सब्ज़ी दाल, ये इतना बनेगा अभी, क्योंकि ज़्यादा कुछ आइटम होना तो फिर खाने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा आइटम हो जाता है। तो पुलाव सोचे थे बनाने के लिए, पर ना वो बनाते हैं, मेरे को तो आता नहीं है, पर वो चले गए हैं ड्यूटी और आ नहीं पाए हैं अभी तक, तो मैंने सोचा कि चलो आज मतलब मशरूम की सब्ज़ी ही बना लेती हूँ, पुलाव तो फिर कभी खा लेंगे करके। तो बस लगभग बन गया है, बस पानी डालूँगी उबलेगा, तैयार है। तो ठीक है, मैं बना लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ। और मिठाई वगैरह बच्चे मेरे खा लिए हैं और खाना भी बन जाएगा तो खाना दे दूँगी। तो दोस्तों दीपावली के उपलक्ष्य में देखिए हमारे यहाँ क्या क्या बना हुआ है, गुलाब जामुन, सलोनी बहुत ज़्यादा था पर अभी ख़त्म हो चुका है आधा से अधिक, और उसके बाद बना है गुझिया और ठेकुआ। तो ये चीज़ें बनी हुई हैं हमारे यहाँ मिठाई में, बाकी खाना खाएंगे। तो देखिए खाना ले ली हूँ दोस्तों, अभी खाना खाने चलती हूँ मैं, ये दाल चावल और ये मशरूम की सब्ज़ी। तो दोस्तों खाना वाना मैं खा ली हूँ, मिठाई वगैरह नहीं खाई, बच्चे खाए, मैं नहीं खाई, क्योंकि मैं जो बनाता उससे ना खाने का मन नहीं करता, और मैं बनाई थी इसलिए मुझे खाने का मन नहीं किया, मुझे ना खाना खाने का भी मन कर रहा था। तो खाना वाना खा के मैं आ गई हूँ सोने के लिए, काफ़ी रात भी हो गया है और बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ आज मैं ना, मतलब सुबह से जो काम कर रही हूँ मतलब बैठी नहीं हूँ, ऐसा मेरा मतलब हो गया आज, बहुत ज़्यादा काम हो गया था आज। तो अभी चलती हूँ सो जाती हूँ, बहुत रात भी हो गया है। तो ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ ही आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसे लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।